नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स को लेकर। आज मैं आपको बड़े ही आसान भाषा में ये टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो जैसे कि आपने व्हाइट बोर्ड पर देख लिया है कि हमारा आज का टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कि किस तरह से हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है वो क्या होगी, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, इसको आज हम आसान भाषा में समझेंगे। दरअसल सबसे पहले तो आपको इसका एम जान लेना चाहिए कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है वो क्या है। मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। हमने इंडिया को नॉलेज की दुनिया में, पूरे विश्व में एक सुपर पावर बनाना है, ये इसका एम है। ये एम आप रट लो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम क्या था। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा एम है वो है मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। एजुकेशन पॉलिसी को समझने से पहले हमें ये पता ज़रूर होना चाहिए कि एजुकेशन को लेकर भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एजुकेशन को लेकर भारत में क्या है। तो आपने पार्ट फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फोर्थ पढ़ा ही होगा, जो क्या है, DPSP है। और DPSP में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 45 और आर्टिकल नंबर 39F, जो क्या कहता है, जो एजुकेशन की बात करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं एजुकेशन को लेकर इंडिया में। जो हमारा पार्ट फोर्थ है DPSP में, उसमें आर्टिकल नंबर 45 और 39F क्या कहता है, एसेसेबल एजुकेशन की बात करता है। एसेसेबल एजुकेशन की बात करता है, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था। इसमें एजुकेशन को, एजुकेशन सेक्टर को लेकर एक चेंज किया गया था कि जो एजुकेशन सेक्टर पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करता था उसको ट्रांसफर कर दिया गया। किसमें ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में, उसको ट्रांसफर कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 कहता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और चीज आपको याद रखनी है, जो 86 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ था, उसमें एक चेंज किया गया था कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21A में जो हमारा एजुकेशन है उसको क्या बना दिया गया था, एनफोर्सेबल राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, याद रखने हैं। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया। और भी सरकार द्वारा बड़ी सारी स्कीम्स एजुकेशन्स को लेकर लाई गई, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हुआ। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है इंडिया में एजुकेशन को लेकर वो क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो पार्ट फोर्थ है, उसमें आर्टिकल नंबर 45 और 39F एसेसेबल एजुकेशन की बात करते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटाकर किसमें कर दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया। 86 अमेंडमेंट 2002 में जो आया था उसमें जो राइट टू एजुकेशन था उसको आर्टिकल 21A में जगह दी और उसको एनफोर्सेबल राइट बना दिया गया। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन को लेकर। और सर्कार और भी बहुत सारे प्रयास कर रही है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण करवाना, ये सारी चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ने से पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे।
अभी की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 में फ्रेम की गई, इसरो के एक फॉर्मर साइंटिस्ट थे उनकी अध्यक्षता में ये ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसको कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई। और इसमें क्या चेंजेस हुई है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वो जो फॉर्मर साइंटिस्ट थे उनका नाम था कस्तूरी रंजन, उनके ही अध्यक्षता में ये ड्राफ्ट तैयार किया गया और ग्राउंड लेवल से लगभग मैक्सिमम जितनी भी पंचायतें हैं हमारे हिंदुस्तान में वहां से लोगों से पूछा गया, वहां से ग्राउंड लेवल पे काम किया गया, डिसीजन वहां से आइडियाज आए और उन सब आइडियाज को कंपाइल करके हमने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई और आपके सामने इंडियन गवर्नमेंट ने रखी। तो हम आज उसका थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। यह मैं मिटा रहा हूं, आप इसको याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो और बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस की गई, तो ये ध्यान से पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो क्या क्या पहले कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी थी हमारी, क्या क्या चेंजेस लाए गए। सबसे पहले एजुकेशनल पॉलिसी में चेंज 1968 में किया गया, उसके बाद 1986 में किया गया, 1986 को थोड़ा सा चेंज किया 92 में, उसके बाद जो अभी जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई वो आई 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके अंडर जो MHRD मिनिस्ट्री थी उसका नाम चेंज करके हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, याद रखना है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले का जो सिस्टम हुआ करता था वो हुआ करता था 10+2 पैटर्न पर। जो अभी का जो सिस्टम आया है उसको डिवाइड किया है हमने 5+3+3+4 ईयर्स। अब ये 5+3+3+4 ईयर ये पैटर्न क्या है और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात की जा रही है, ये क्या है इसको आज हम समझेंगे। तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम इसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे। जो पहले का जो 10+2 पैटर्न हुआ करता था 12 साल तक आपको किसी स्टेट बोर्ड की निगरानी में रखा जाता था, स्टेट बोर्ड आप पे निगरानी रखता था और आप स्टेट बोर्ड के अंदर क्लासेस पढ़ते थे और फिर 12th के बाद आप स्टेट बोर्ड छोड़ देते थे, आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती थी। 10+2 पैटर्न में क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक की बात हो रही है और आपको क्लास फर्स्ट में डाल दिया जाता था 6 सालों में, 6 ईयर्स के जब आप होंगे तो आपको क्लास फर्स्ट में डाल दिया जाता था। अभी का जो पैटर्न है 5+3+3+4, अब आप बोलोगे 5+3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 साल हो गए, मतलब 12 के बाद 3 साल और करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो यहां पर 5 साल का जो पहला जो कोर्स रहेगा जिसको फाउंडेशन कोर्स बोला, उसमें आपकी स्टार्टिंग होगी 3 ईयर से, मतलब जब बच्चा 3 साल का होगा तो उसको स्कूल में दाखिला मिल जाएगा, जो अभी की नई एजुकेशन पॉलिसी में आया है। पहले 10+2 पैटर्न में 6 साल के बच्चे को पहले स्कूल में डाला जाता था, अब जो है 3 साल का बच्चा क्या करेगा, उसको स्कूल में डाला जाएगा। तो हम जो एजुकेशन पॉलिसी है इसको डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया है वो आपको समझना है कि फाउंडेशन कोर्स क्या है, प्रिपरेटरी कोर्स क्या है, मिडल कोर्स क्या है, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, समझना इसको ध्यान से। सबसे पहले ये वाला जो कोर्स है 5+3+3+4, इसमें जो पहला जो 5 ईयर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो पहला 5 साल है इसको समझना, इसको बोला गया फाउंडेशन कोर्स, इसको क्या बोला गया फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स को ये 5 साल का रहेगा, 5 ईयर्स का रहेगा और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहले 3 साल और फिर 2 साल। जो पहले 3 साल होंगे उसमें बच्चे की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगी, बच्चा खेल कूद पे ध्यान देगा, प्ले में ध्यान देगा।
जो अंत में जो दो साल होंगे उसमें क्लास फर्स्ट और सेकंड क्लास की पढ़ाई होगी। याद रखना इसमें एग्जाम नहीं होंगे, बच्चा बिना एग्जाम दिए ही क्लास फर्स्ट से क्लास सेकंड में चला जाएगा। तो जो पहला पांच साल होगा जिसमें तीन साल के बच्चे को आपने एडमिशन देनी है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले तीन साल वो सिर्फ खेल कूद में ध्यान देगा और जो लास्ट में दो साल होंगे उसमें क्लास फर्स्ट और फिर क्लास सेकेंड और उसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। फाउंडेशन कोर्स के बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन कोर्स के बाद हम प्रिपरेटरी कोर्स की तरफ बढ़ेंगे, प्रिपरेटरी कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। याद रखना प्रिपरेटरी कोर्स क्या है, प्रिपरेटरी कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, ये कितने साल का होगा, ये 3 years का होगा। कितने years का होगा, 3 years का होगा। मतलब क्लास फर्स्ट और टू तो कर दी होगी बच्चे ने, अब यहां पर क्लास होगी क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। इसमें क्या होगा, इसमें अब आ जाएंगे एग्जाम, इसमें एग्जाम होंगे प्लस इसमें जो लैंग्वेज होगी प्रिपरेटरी कोर्स में, इसमें जो लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज होगी या तो रीजनल लैंग्वेज या तो कोई नेशनल लैंग्वेज। मतलब अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो आप डोगरी आपकी लोकल लैंग्वेज है तो आपके बच्चे डोगरी में भी पढ़ सकते हैं और कोई एक नेशनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। सर एजुकेशन पॉलिसी में यह लिखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज भी स्कूल चाहे तो पढ़ा सकते हैं पर वो थोप नहीं सकते, बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहोगे। तो ये प्रिपरेटरी कोर्स था, ये फाउंडेशन कोर्स था। जो हम 5+3+3+4 ईयर की बात करें उसमें पहले 5 साल फाउंडेशन कोर्स होगा, अगले 3 साल क्या होगा, प्रिपरेटरी कोर्स होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। तीसरा है मिडल फेज, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं मिडल फेज। आगे 3 साल, अगले 3 साल में बच्चा क्या करेगा, मिडल फेज। ध्यान से समझना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे 3 साल में होगा मिडल फेज। मिडल फेज में आगे 3 साल, अगला 3 साल, ये भी 3 साल का होगा, 3 years का कोर्स होगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब होगा क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर बच्चों को क्या दिया जाएगा, कंप्यूटर कोडिंग के बारे में सिखाया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर बच्चे की अपनी मर्जी है, अगर वो सिलाई, कारपेंटर, मछली पालन, सेरिकल्चर में अगर जाना चाहता है, सेल्फ प्रोडक्शन या कुछ और करना चाहता है तो उसको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लस यहां पर सब्जेक्ट वैसे ही होंगे, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, ये चीजें होंगी, ये सिखाया जाएगा। प्लस इस मिडिल फेज में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई ना कोई एक इंडियन लैंग्वेज भी सीखनी होगी। तो ये क्लास 6, 7 और 8 क्लास की बात है, इसको बोलते हैं मिडिल फेज। अब अगला जो फेज है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी फेज, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फेज। उसमें क्या पढ़ाया जाएगा सेकेंडरी फेज में, 8 क्लास तक तो हो गया, सेकेंडरी फेज, सेकेंडरी फेज में क्या होगा, 4 ईयर का होगा, मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। यहां पर जब आप 9th और 10th कर लोगे तो स्ट्रीम जो होगी वो हटा दी जाएगी, मल्टीपल सब्जेक्ट्स का, यहां पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पिक्चर में आ जाएंगे। मतलब क्या होगा कि पहले क्या होता था, कोई 10th कर लेता था तो हम उसको पूछते थे आगे तुम क्या रखोगे, आर्ट्स रखोगे, साइंस रखोगे या कॉमर्स रखोगे। अब जो है ऐसा नहीं होगा, स्ट्रीम खत्म कर ली गई है। अगर कोई बच्चा सोचो, अगर कोई बच्चा बायो के साथ हिस्ट्री रखता है, फिर हिस्ट्री के साथ हिंदी रखता है और हिंदी के साथ मैथ्स रखता है तो कितना अजीब लगता है आज के टाइम पे। पर यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सेकेंडरी फेज की बात की जा रही है उसमें स्ट्रीम खत्म कर दी गई है और मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नॉलेज आ गया है। प्लस यहां पर क्या होगा, सेमिस्टर के तहत एग्जाम हो गए। पहले 9th, 10th, 11th, 12th, 4 साल 4 एग्जाम, अब 8 एग्जाम होंगे, सेमिस्टर लेवल पर एग्जाम होंगे। प्लस यहां पर बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग
थिंकिंग को भी बनाया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग पर भी काम किया जाएगा, प्लस यहाँ पर किसी और एक फॉरेन लैंग्वेज में बच्चे की पढ़ाई होगी, एक फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चे को सीखनी पड़ेगी। तो ये था हमारा 5+3+3+4 एयर पैटर्न, जो पहले 10+2 पैटर्न होता था, अब उसको हमने डिवाइड कर दिया है 5+3+3+4 एयर पैटर्न में, जिसमें हमने ये देखा कि बच्चा वोकेशनल एजुकेशन भी लेगा, बच्चा रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ेगा, बच्चा कंप्यूटर कोडिंग भी सीख रहा है, सेमेस्टर एग्जाम होंगे, स्ट्रीम को हटा दिया गया, तो काफी अच्छी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दी गई हैं। तो ये स्कूल, ये जो स्कूल का फ्रेमवर्क होगा वो इस तरह से होगा, इस पैटर्न पे चलेगा। अब जो हम बात करेंगे वो बात करने जा रहे हैं हम कॉलेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या चेंजेस किए जाएंगे। तो ध्यान से समझना, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। पहले ग्रेजुएशन होती थी, अगर आपने साइंस ली है तो आपको बीएससी बोला जाता था, आर्ट्स में किया है तो बीए बोला जाता था, और अगर कॉमर्स में किया तो बीकॉम बोला जाता था। अब ये सब चीजें हटा दी गई हैं। अगर अब क्या होगा, आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट की चॉइस है, आप बायो के साथ पॉलिटिक्स पढ़ सकते हो अगर आपकी इच्छा है, पॉलिटिक्स के साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, बायो के साथ फिजिक्स के साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन अब अवेलेबल है। अब क्या किया जाएगा, अगर अब 4 साल की यहां पर ग्रेजुएशन होगी, ये भी याद रखना 4 साल की ग्रेजुएशन होगी, अगर आप फर्स्ट ईयर करते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर आप सेकंड ईयर करते हो तो डिप्लोमा दिया जाएगा, अगर आप थर्ड ईयर 3 साल करते हो तो डिग्री दी जाएगी, अगर आप 4 साल लगाते हो तो आपको रिसर्च स्कॉलर बोला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब से आप क्या होंगे, ग्रेजुएट तभी होंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में होंगे आप ग्रेजुएट, सेमेस्टर सॉरी स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया है। कॉलेज में अगर आप पहला ईयर कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरा ईयर पढ़ रहे हो तो डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरा कर रहे हो तो डिग्री दी जाएगी, और फोर्थ ईयर हो तो आपको रिसर्च स्कॉलर बोला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, अगर आपने 3 साल लगाए हैं कॉलेज में तो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी चीज है। प्लस यहां पर मल्टीपल एंट्री सिस्टम भी लागू किया गया है। मल्टीपल एंट्री सिस्टम मतलब कि अगर मान लो अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, फिर आपके पास पैसे नहीं थे, आपने कॉलेज छोड़ दिया, और 10 साल के बाद आप फिर आओगे तो आपको क्या फिर से एडमिशन मिल जाएगी और आप थर्ड ईयर में बैठ सकते हो, जो आज पॉसिबल नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको पता है, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की है। अगर आपने ग्रेजुएशन में 4 साल लगाए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 1 साल की होगी, अगर आपने ग्रेजुएशन में 3 साल लगाए हैं तो पीजी आपकी 2 साल की होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। प्लस एमफिल को खत्म कर दिया गया है, पीएचडी रिमेन 4 साल की ही रहेगी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ड्राफ्ट की गई हैं। आई होप जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो 2022 के आते आते ये लागू कर दी जाएंगी। प्लस इसमें सबसे बड़ा ये भी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा, टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, देखभाल कर सके। प्लस डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी दी गई है, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज 50 के लगभग फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आएंगी और वो हमारी लोकल यूनिवर्सिटी के साथ कंपीट करेंगी, जिससे हमारा लेवल बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।